हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे आज वट सावित्री में क्या क्या सामग्री लगता है और कैसे पूजा किया जाता है ये बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल पूजा की सामग्री के लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मौली धागा लिया है, वट वृक्ष में ये लपेटने के लिए अगरबत्ती लिया है, धूप बत्ती लिया है, ये हल्दी कुमकुम लिया है, और ये देख सकते हैं दुबला घास लिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं बत्ती और दिया लिया है, मिट्टी का चना लिया है फुला हुआ देख सकते हैं, ओवर नाइट मैंने इसे सोख कर लिया था, नया कपड़ा लिया है पंडित जी को दान करने के लिए, और यहाँ पे मैंने सिंदूर लिया है, ये लाल सिंदूर है, और यहाँ पे मैंने पीला सिंदूर भी लिया है, ये हल्दी लिया है मैंने देख सकते हैं इस तरह से, खजूर लिया है ये देखिए, और ये सिंगार का सामान लिया है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये सिंगार का सामान और ये मेहंदी का पैकेट भी है। आप जैसे पूजा करते हैं अब वैसे कर सकते हैं, जैसे आप करते आए हैं बिल्कुल वैसे करें। मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। अब मैंने इस लोटे पे जल लिया है, पानी लिया है देख सकते हैं चढ़ाने के लिए। अब मैं आपको फ्रूट्स दिखाऊंगी। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे दो आम लिया है, दो सेब, दो केला और दो नारियल लिया है, और ये मैंने यहाँ पे वाटरमेलन लिया है, तरबूज। तो आप जैसे पूजा करते हैं वैसे कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पूरा फल से पूजा करती हूँ, फल चढ़ाती हूँ और फलाहार रहती हूँ, तो मैं इस तरह से सारे फल का यहाँ पे पूजा करूँगी देख सकते हैं आप। तो अब हम पूजा करने के लिए वट वृक्ष के पास जाएंगे। यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ वट वृक्ष के पास, बिल्कुल मेरे घर के सामने है, मंदिर के बाहर है ये देख सकते हैं, कोई नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आप चाहें तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ और अगरबत्ती को भी जला रही हूँ, और हमने जो फल वल लाए हैं उन सबको हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। इस तरह से पहले पूजा कर लेंगे वट वृक्ष का, देख सकते हैं मैं सारे सामग्री डाल रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ इस तरह से। अब जैसे पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे करें। आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, ये घर के बिल्कुल पास था तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पे खजूर, ड्राई फ्रूट्स चढ़ा रही हूँ, और ये देखिए ये हमारा जो मौली धागा है इसे मैं अब यहाँ पे लपेटूंगी वृक्ष में। इस तरह से हम इसे 11 बार या 111 बार, जितना बार आप लपेटते हैं उतना बार इसे लपेटे। इस तरह से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी इसे लपेटना, ये देखिए इस तरह से इसे हमें लपेटते जाना है और गोल गोल घूमते जाना है। ये देखिए मेरी बेटी पिंक ड्रेस में, ये भी अब मेरे साथ घूमना स्टार्ट कर देगी यहाँ पे। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को हटा लूँगी और गोल गोल घूमना स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। तरह से हमें गोल गोल घूमते जाना है। अब मैं यहाँ पे चना चढ़ाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी, जितने बार गोल गोल घूमूंगी उतने बार, या एक साथ भी आप लगा सकते हैं। जब जैसे पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे करें। यहाँ पे मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ मैं उस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे गोल गोल घूम रही हूँ, ये देखिए मेरी बेटी ये भी स्टार्ट कर रही है घूमना गोल गोल। इस तरह से हम यहाँ पे पूजा करेंगे। मेरे घर में जैसे पूजा होता है मैं वैसे कर रही हूँ, तो आप भी जैसे करते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से पूजा करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है सभी को पता है, तो बहुत से लोग घर पे भी पूजा कर रहे हैं, घर पे ही करना चाहिए पूजा। बिल्कुल ही मेरे घर के पास था तो मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ, और कोई भीड़ नहीं है, बस मैं यहाँ पे अकेले पूजा कर रही हूँ देख सकते हैं आप। इस तरह से हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे और इस धागे को लपेट लेंगे। इस तरह से गोल गोल मैं घूमते जा रही हूँ आप देख सकते हैं। मेरी बेटी भी लगातार मेरे साथ घूम रही है, उसको पिंक ड्रेस बहुत पसंद है देख सकते हैं आप, पिंक ड्रेस में है वो। उसे हम मना कर रहे हैं मत घूमो करके, पर वो मान नहीं रही है, वो भी लगातार घूम रही है, बस उसे बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह से घूमने में मम्मी के साथ। अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पर पूजा चल रहा है, मैं गोल गोल घूम रही हूँ, भगवान का नाम बिल्कुल लेते रहें, याद करते रहें, और इस तरह से घूम ले आप।
इस तरह से मैं घूम रही हूँ, देख सकते हैं आप। वट सावित्री का जो कथा होता है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं घर पे, और घर पे ही पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह से ये थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि मैंने इसमें पूरा फुल प्रोसेस दिखाया है कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। इस तरह से लगातार मैं यहाँ पे घूमते जा रही हूँ। देखिए मैं एकदम बिल्कुल जितना मेरा है मौली धागा, मैं उतना पूरा घूम रही हूँ और पूरी तरह से यहाँ पे पूजा अपना संपन्न करूँगी पूरा घूमने के बाद ही। अब जितना घूमते हैं, अगर आप 11 घूमते हैं तो 11 घूमें, 5 बार घूमते हैं तो 5 बार ही घूमें, 21 घूमते हैं तो 21 बार राउंड लगाएं वट वृक्ष का, या 111 करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना पूजा यहाँ पे करेंगे। ये देखिए मंदिर बिल्कुल खाली है, और ये मंदिर के बाहर ये वृक्ष है तो मैं वहाँ पे पूजा कर रही हूँ। देख सकते हैं कोई भी किसी को भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर घुसना। इस तरह से बाहर पे ये पेड़ है मंदिर के बाहर, तो मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। इस तरह से मैं पूरा धागा जो हमारा है उसे लपेट दूंगी। ये देखिए धागा को मैंने लपेट दिया। अब मैं यहाँ पे मैंने नारियल को फोड़ लिया है, मैं नारियल को चढ़ाऊंगी। इस तरह से नारियल फल मूल जो भी हम लेके आए हैं उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अर्पित करेंगे भगवान पे। इस तरह से मैं यहाँ पे धूप पत्ती करूँगी, और हल्दी कुमकुम जो भी मैंने लाया है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे वटवृक्ष में चढ़ा देंगे। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरह से धूप बत्ती करेंगे, भगवान का आह्वान करेंगे, सभी देवी देवताओं को यहाँ पे हमें आह्वान करना है, सबका स्मरण करना है, सबका नाम लेना है और पूजा को यहाँ पे संपन्न करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे धूप बत्ती कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने दिया तो पहले ही जला दिया है, अब धूप बत्ती कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अब श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दूँगी। बस कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे रख लूँगी श्रृंगार का सामान से। इस तरह से मैंने थोड़े से कुछ मतलब श्रृंगार रख लिया, और बाकी सारे हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे अब सिंदूर चढ़ाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी, पीला सिंदूर। इस तरह से हम अपना पूजा यहाँ पे करेंगे। अपने आप को भी मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। इस तरह से मैं जैसे पूजा करती हूँ बिल्कुल उसी तरह से कर रही हूँ यहाँ पे। और हमने जो फूल लाया है उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है।